यहां मूवमेंट्स हमने जो लिखा हुआ है, हमने क्योंकि लास्ट टाइम जो पढ़ा है टॉर्क या मूवमेंट ऑफ फोर्स, क्या पढ़ा है हमने? तो बेटा ये मूवमेंट ऑफ फोर्स से हमारी जो मुराद थी वो ये वाले मूवमेंट्स, यहां जो मैंने सामने लिखा हुआ है, ये प्लूरल लिखा हुआ है, ये वही मूवमेंट ऑफ फोर्स है। बेटा इसके लिए हमें दो कॉन्सेप्ट की इससे पहले जरूरत है। पहले हमारे पास मैंने बेटा यहां लिखा है क्लॉकवाइज मूवमेंट्स, क्या लिखा हुआ है? क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। बेटे ये क्या होते हैं, यहां आप देख रहे हैं मैंने एक एरो बनाया है और उसके साथ उसकी डायरेक्शन बनाई हुई है। बेटा जैसे हमारी एक वॉच की डायल है, आप उसे देखते हैं जिस डायरेक्शन में बेटे वो खुद उसकी जो डायल है मूव करती है, ठीक है जी, इसे हम कहते हैं क्लॉक वाइज डायरेक्शन। क्या कहते हैं इसको? क्लॉक वाइज डायरेक्शन। अगर बेटे हमारे पास जो फोर्सेज हैं वो किसी ऑब्जेक्ट पे अप्लाई हो रही हो और अप्लाई होने के बाद वो किसी ऑब्जेक्ट के अंदर रोटेशन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्रोड्यूस करें, कैसे प्रोड्यूस करें? ये देखिए बेटे इस तरह, ये डायरेक्शन है क्लॉकवाइज। उस वक्त यानी हमने कहा इफ फोर्सेस प्रोड्यूस क्लॉकवाइज रोटेशन इन अ बॉडी देन मूवमेंट्स आर कॉल्ड क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। तो उन टॉर्क्स को या बेटा उन मूवमेंट्स को हम क्या कहेंगे? क्लॉकवाइज मूवमेंट्स कहेंगे। इसी तरह अगर बेटा किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्सेस अप्लाई हो रही हो, एक सिंगल फोर्स की बात नहीं कर रहे, सिंगल फोर्स भी बेटे हो सकती है या सम ऑफ फोर्सेस भी हो सकता है, एक से ज्यादा फोर्सेस भी हो सकती हैं, इसलिए मैंने टर्म यूज की है फोर्सेस, ठीक है जी। तो अगर किसी ऑब्जेक्ट पे बेटे फोर्सेस ऐसे अप्लाई हो रही हो कि वो उसमें, जैसे मैंने ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इस पे मैंने फोर्स अप्लाई की और इस फोर्स ने बेटा इस ऑब्जेक्ट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया है, कैसे रोटेट किए? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किए। इस सूरत हाल में बेटे हम इसे कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। क्या कहते हैं इसको? एंटी क्लॉकवाइज। अब हमारा बेटा एक प्रिंसिपल है, जब मैंने फोर्स का टॉपिक आपको पढ़ाया था तो मैंने बताया था अगर बेटे हम लेफ्ट वर्ड फोर्सेस को पॉजिटिव लें तो जो हमारी राइट वर्ड होती है उन्हें हम नेगेटिव कंसीडर करते हैं। क्या कंसीडर करते हैं? इसी तरह बेटा अपवर्ड और डाउनवर्ड का कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, अगर अपवर्ड फोर्सेस पॉजिटिव हो तो डाउनवर्ड कौन सी होती है? नेगेटिव होती है। इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए हम बेटा जब मूवमेंट्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बनता है। यहां बेटा जैसे मैंने ये बनाया हुआ था क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहां मैंने एक सीसा बनाया है, ठीक है जी, देखा मैंने ये, हमने बेटे इसे इसके लिए जो मैंने दो डायरेक्शंस आपके लिए बनाई है, अगर मैं यहां एक स्टूडेंट को कहूं जी आप यहां बैठे, दूसरे को यहां कहूं, तो बेटे जो ये वाला स्टूडेंट है इसकी फोर्स की वजह से ये इस डायरेक्शन में जाएगा और जो इधर वाला स्टूडेंट होगा इसकी वजह से ये कहां जाएगा? इस डायरेक्शन में जाएगा। यानी अगर ये इस पे बेटे फोर्स लगाता है इस तरफ को तो ये कहां जाएगा? अपवर्ड में। और अगर बेटे ये डाउनवर्ड में लगाए तो ये कहां जाएगा? इस तरफ अपवर्ड में। अगर बेटे हम किसी जगह पर इन दोनों क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स को इकट्ठा पढ़ना चाहिए तो उस वक्त हम लोग पढ़ते हैं प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स। ये बेटा क्या बताता है? ये स्टेट करता है अ बॉडी इज बैलेंस्ड इफ सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। बेटा जितनी फोर्सेस एक ऑब्जेक्ट पे जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रही होती है क्लॉकवाइज में, अगर वो इक्वल हो किसके? एंटी क्लॉकवाइज वाले के। दोनों इक्वल होंगी तो आपका ऑब्जेक्ट हमेशा बैलेंस्ड फॉर्म में रहेगा, यानी जितने भी टॉर्क्स अप्लाई हो रहे हो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, किस डायरेक्शन में? अगर उसी तरह बेटा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में भी टॉर्क अप्लाई हो रहा और दोनों की मैग्नीट्यूड, ठीक है जी, पहले हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड की, मैग्नीट्यूड इक्वल हो लेकिन डायरेक्शन बेटे ऑपोजिट हो, क्योंकि हमने जहां फोर्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था वही हमने बेटा पैरेलल और एंटी पैरेलल फोर्सेस का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, उसी तरह बेटा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स का कॉन्सेप्ट है। तो हमारे पास अगर मैं क्लॉकवाइज को बेटा इस डायरेक्शन में ले रहा हूं तो एंटी क्लॉकवाइज उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में बनेगा जी, है तो दोनों तरफ जी। ये बेटे सिर्फ समझाने के लिए बताया कि स्टूडेंट इधर जाएगा, ठीक है जी। अगर मैं बेटे इसको ऑपोजिट करूंगा, ये देखिए एक फोर्स बेटे मैं यहां अप्लाई करूंगा, ठीक है जी, इस डायरेक्शन में, अगर मैं इसे इस डायरेक्शन में ले रहा हूं तो दूसरी वाली जो डायरेक्शन बनेगी बेटे इसके लिए, अगर मैं इसे डाउनवर्ड में ले रहा हूं तो वो यहां बनेगी, अब ठीक है, ठीक है। अगर बेटे इसकी तरह मैं इसे इस डायरेक्शन में लूंगा तो इसे, जब मैंने इसे डाउनवर्ड लिया तो बेटे ये कहां बनेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में होगी।
अगर बेटे ये दोनों इक्वल होंगी, यही हम कहना चाह रहे हैं, ये वाली और ये वाली, या ये दूसरी वाली जो है, अगर बेटे ये दोनों इक्वल होंगी तो हमारे पास ये ऑब्जेक्ट इस तरफ को या इस तरफ को मूव नहीं करेगा, बल्कि दरमियान में क्या हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। यही बेटा इसे हम प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स कहते हैं, ठीक है जी, कि इफ अ बॉडी इज बैलेंस्ड, इफ सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। तो ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स बेटा अगर जिनके ऊपर फोर्सेस लग रही हैं वो फिर भी बेटे रोटेट नहीं कर रहे, फोर्सेस इस तरह लग रही हैं इक्वल फोर्सेस, और वो आपस में हम कहते हैं जो रोटेशन में नहीं आते, तो बेटा वो रोटेशन में सिर्फ इस सिचुएशन में नहीं आएंगे। अगर बेटे क्लॉकवाइज टॉर्क्स ज्यादा हो जाएं, कौन से ज्यादा हो जाएं, क्लॉकवाइज, तो ये ऑब्जेक्ट कैसे रोटेट करेगा, क्लॉकवाइज, क्योंकि हमने कहा था ये क्लॉकवाइज मूवमेंट्स है। अगर बेटा क्लॉकवाइज ज्यादा हो जाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में रोटेट करेगा, और अगर बेटे एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा हो जाएंगे तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट किस तरफ को रोटेट करेगा, हाँ जी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लेकिन अगर दोनों बैलेंस रहेंगे तो ये ऑब्जेक्ट इसी तरह अपनी जगह पे इक्वल होने की वजह से क्या हो जाएगा, स्टेबल रहेगा, या बेटा इसे कहते हैं बैलेंस्ड रहेगा, क्या रहेगा, बैलेंस्ड रहेगा। ठीक है जी, समझ आइए बेटा इसकी, हाँ जी, इससे मुतल्लिक कोई क्वेश्चन है तो पूछे शाबाश, कोई क्वेश्चन नहीं है, चलें नेक्स्ट। बेटा हमने आज देखना है हमारे स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक क्वेश्चन है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जी ठीक है जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ हमने फिर बेटा कुछ यूनिफॉर्म बॉडीज और एक इररेगुलर बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्टडी करना है, कि उसे हम लोग पहले देखेंगे फाइंड आउट कैसे करते हैं, फिर उसे आगे डिस्कस भी करेंगे हम लोग। तो पहले बेटे हमारे पास कॉन्सेप्ट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या चीज होती है। देखो बेटे, हम जब किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर चीजों को पढ़ते हैं, किसके अंदर पढ़ते हैं, हाँ जी, ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर, मैंने आप लोगों को पहले भी जैसे एग्जांपल दी थी बेटे, मैं जब कभी इस बोर्ड मार्कर को एयर में थ्रो करता हूं तो ये बच्चे खुद ब खुद कहां गिरती है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी से गिरती है ना, इस पर इस जो हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है बेटे, इस फील्ड की वजह से हर वक्त एक फोर्स लग रही है इसके ऊपर, क्या लग रही है, अगर बेटे हम इस ऑब्जेक्ट के लिए उसे मेजर करना चाहें तो हम इस ऑब्जेक्ट के लिए उसे उसका वेट कहते हैं, क्या कहते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो लगने वाली बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स है वो उसके वेट के बराबर होती है, क्या होती है, उसके वेट के बराबर होती है। हम बेटे सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ना चाहते हैं, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में एक एग्जाम्पल पढ़ी थी जिसके अंदर बेटे हमने पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक ग्रोसरीज का बैग मौजूद हो और उसमें एक से ज्यादा चीजें मौजूद हों तो वो तमाम चीजें जब हम उस ग्रोसरी के बैग का टोटल वेट देखेंगे तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा। बिल्कुल उसी एग्जाम्पल को बेटे हम यहां लेकर चलते हैं, हमारे पास आज जो हमारा नेक्स्ट एक बेटे ये अभी शॉर्ट क्वेश्चन है, फिर कल हम इसमें बाकी डिटेल्स करेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए बेटे हमने जिस तरह वो बैग ऑफ ग्रोसरीज वाली एग्जांपल कंसीडर की थी, हम कंसीडर करते हैं हमारे पास कोई एक रिजिड ऑब्जेक्ट है। कल बेटे मैंने बताया था रिजिड ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जी बच्चे कौन बताएगा मुझे रिजिड ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, जी जी बेटे आप बताएं। अ बॉडी इज कंपोज्ड ऑफ लार्ज नंबर और स्मॉल, ठीक है ठीक है शाबाश, इफ द डिस्टेंस बिटवीन इधर डिस्टेंस बिटवीन ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑल पेयर्स ऑफ पार्टिकल्स शाबाश ठीक है ऑफ अ बॉडी एंड डू नॉट चेंज एक्सीलेंट, इसका और रिजिड बॉडी, जी बेटे हां जी आप बताना चाह रहे थे क्या होती है बेटे रिजिड बॉडी, जी हमने कहा था इसे फोर्सेस की फॉर्म में, जैसे स्टूडेंट ने बताया, ठीक है बेटे आपने बिल्कुल सही बताया, हमने कहा था जब हम फोर्सेस अप्लाई करते हैं क्या अप्लाई करते हैं, और अगर उस कोई से दो पॉइंट्स हमने जो कंसीडर किए थे उन दो पॉइंट्स के दरमियान ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस चेंज ना हो तो हमारा ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, रिजिड ऑब्जेक्ट एंड रिजिड बॉडी। बेटे आज हमारे पास एक रिजिड ऑब्जेक्ट है, ठीक है जी, हमने इसे
किसी एक स्पेसिफिक हाइट पर ग्राउंड से रखा हुआ है। जैसे मैं यहां बेटे ये एग्जांपल ले रहा हूं, ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, मैंने इसे ग्राउंड से उठाकर किसी एक स्पेसिफिक हाइट पर रखा हुआ है, ठीक है जी। लेकिन ये जो मेरा ऑब्जेक्ट है ये बेटा हैवी इररेगुलर शेप का, ये शेप क्या है, ये इररेगुलर शेप का है बेटे। ये जो तमाम इसके जो हमारा पूरा जो ऑब्जेक्ट है ना, ये बेटे एक सिंगल पार्टिकल नहीं है, ये सिंगल क्या नहीं है, पार्टिकल। मैं अगर इसे इसकी कंपोजिशन की फॉर्म में देखूं तो बेटे इसमें एक लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद है, ठीक है जी। मैं इनमें से ना छोटे छोटे वो पीसेस या पार्टिकल्स बनाना चाहता हूं। सपोज इनमें से बेटा एक पार्टिकल का जो पार्ट है यहां है, दूसरा इधर है, फिर तीसरा इधर है, इसी तरह इसे छोटे छोटे हमने पार्ट्स में बेटे डिवाइड किया हुआ है। इस पूरी बॉडी को हम छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर देते हैं और इन पीसेस की फॉर्म में इसको पढ़ते हैं। सारी बॉडी इसी तरह हमारे पास डिवाइडेड है जी बेटा, चले जाएं फातिमा मुजर जी। देखो बेटे, हमने जो फोर्सेस वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसमें जो वेट की डेफिनेशन और वो चीज पढ़ी थी उसके मुताबिक देखो बेटे, ये जो ऑब्जेक्ट है इसके तमाम पार्टिकल्स बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से, किसकी वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इनका वेट किस तरह करेगा बेटा, इसका वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, ठीक है जी। इस पार्ट का भी वेट कहां एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड में। इसका भी कहां एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड में। इसी तरह बेटे मैं जितने पार्ट्स इसके बनाऊंगा तमाम पार्ट्स का वेट कहां एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड में। बेटे ऑब्जेक्ट जहां मर्जी एयर में हम अप डाउन लेफ्ट राइट किसी डायरेक्शन में भी ले जाए, जैसे मैं यहां रख रहा हूं, ये देखिए अभी मैंने इसे यूं नहीं रखा, मैं इसे बेटे यूं प्लेस कर देता हूं इस तरफ को या ऐसे, लेकिन अभी भी इसका वेट कहां एक्ट कर रहा होगा, डाउनवर्ड। मैंने बेटे जितने पार्टिकल इसके बनाए हैं या पीसेस बनाए हैं, इन तमाम पीसेस का जब मैं टोटल वेट लेता हूं या सम करता हूं तो बेटा ये सारा वेट हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्ट करता है। किस डायरेक्शन में करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है। इसके लिए बेटे हम देखना चाहते हैं कोई एक ऐसा पॉइंट, कोई एक ऐसा पॉइंट बेटा, उस पॉइंट पे इस तमाम ऑब्जेक्ट का वेट हमें ऐसे महसूस होता है कि जैसे एक्ट कर रहा है, ठीक है जी। क्योंकि ये अब मैं इसको सिंगल में तो नहीं पढ़ना चाहता, मैं तो पूरे ऑब्जेक्ट को पढ़ना चाहता हूं, तो मैं इसके लिए कोई एक पॉइंट ऐसा डिफाइन करता हूं जहां बेटा मुझे ऐसा महसूस होगा कि हमारी इस ऑब्जेक्ट का टोटल वेट उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है। वो पॉइंट बेटा जिसके ऊपर इस ऑब्जेक्ट का टोटल वेट एक्ट करता है इसे कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं इसे जी, जैसे मैं यहां देख रहा हूं बेटे, मैं यहां समझाने के लिए सिर्फ एक अप्रोक्सीमेट फॉर्म बना रहा हूं इसकी। चलें जी, मैं फर्ज करता हूं तकरीबन वो बेटे तकरीबन वो इस पोजीशन पे बन रहा है, पोजीशन किस पोजीशन पे बन रहा है, ये जो बेटा मैंने इसमें हाईलाइट की हुई है इस पोजीशन पे बन रहा है। अच्छा, अब इसमें जब आप एक पूरी बॉडी का बेटा वेट देखेंगे, मैं इसके लिए अगर एरो बनाना चाहूं तो बेटा सेंटर ऑफ ग्रेविटी का सिंबल होता है, इसे हम बेटा कैपिटल जी से शो करते हैं, ये सिंबल है सेंटर ऑफ ग्रेविटी का, ठीक है जी। अब ये जो मैंने बड़े वाला एरो बनाया है बेटा, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इन तमाम पॉइंट्स को, किनको रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी मैं अगर इन तमाम पॉइंट्स के वेट को सम करूं या पार्टिकल को सम करूं तो इस ऑब्जेक्ट का टोटल वेट बनेगा। तो टोटल वेट जो है यहां से बेटा किस पॉइंट पे एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पे। ये पोजीशन जिस पोजीशन पे इस ऑब्जेक्ट का तमाम या मुकम्मल वेट बेटा एक्ट कर रहा होता है, इस पोजीशन को या इस पॉइंट को, इस पॉइंट को हम बेटा कहते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी। बेटे जब हम ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी के साथ हम फिर जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स या शेप्स पढ़ते हैं उनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैलकुलेट भी करते हैं। बेटा अगर हमारे पास कोई रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट हो, क्या मौजूद हो, रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट हो, तो उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हम कोई फॉर्मूला बना देते हैं या कोई मेथड डिफाइन कर देते हैं कि इस मेथड के तहत यहां बनेगा। इसी तरह जो इररेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स होती हैं, जैसे मैंने बेटा एक ये नॉर्मल सा मेथड यूज किया है कि मैंने बताने के लिए कि तकरीबन यहां इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, इसी तरह इररेगुलर बाकी भी कोई अगर ऑब्जेक्ट हमारे पास आएगा उनके लिए भी हम बेटा कोई एक स्पेसिफिक मेथड यूज करेंगे जिसके थ्रू हम इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कर लेंगे, ठीक है जी। हम
बेटे जहां सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ते हैं, अब जैसे मैंने रेगुलर ऑब्जेक्ट्स का कहा है, तो हमें बेटे जिस पोजीशन पे उस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रहा होता है, अगर मैं उस पोजीशन पे बैलेंस करूं तो हमारी बॉडी बेटे खुद ब खुद उस पोजीशन पे स्टे करती है। क्या करती है? उस पोजीशन पे स्टे करती है। अब ये मेरे पास तो ना ये बैलेंस्ड है ना ये बैलेंस्ड है, ठीक है जी। तो अगर वो पोजीशन, जैसे ये मैंने कहा, क्योंकि बेटे हमने कहा है कि वहां इस पोजीशन पे ऐसा होता है जैसे उस ऑब्जेक्ट का सारा वेट एक्ट कर रहा है, तो अगर सारा वेट बेटे उस पोजीशन पे एक्ट, उस पॉइंट पे एक्ट कर रहा होगा, तो उस पोजीशन पे अगर आप बॉडी को सहारा देंगे तो उस पोजीशन पे आप उस बॉडी को स्टे करवा सकते हैं, या उस पोजीशन पे आप बॉडी को रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं? ये है बेटे सेंटर ऑफ ग्रेविटी की इंपॉर्टेंस, ठीक है जी। अपनी बुक्स ओपन करें बेटे जरा, ये इसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन जो है वो बुक में मौजूद है, इसलिए मैं सेपरेट यहां नहीं लिखवा रहा, वो आपने यहां से कर लेनी है। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन बेटे वहां देखे मैं बता देता हूं जी, पेज 94 अपने पास रखिए बेटे जी, पेज 94 बेटा, ये जो रेड ब्लॉक है ये इसकी कंप्लीट डेफिनेशन है। कौन पढ़ेगा बेटे ये? जी पढ़ो बेटा। A point where the whole weight of the body appears to act vertically downward is called center of gravity of a body. जी पता चल गया बेटा, ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर किसी ऑब्जेक्ट का टोटल वेट या सारा वेट जो है वो वर्टिकली कहां एक्ट करता है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करता है, उस बेटा पॉइंट को हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है जी। बेटा इसमें जो रेगुलर शेप ऑब्जेक्ट्स हैं